आज आप शूट कर रहे हैं ये, इस गाने के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं? जो गाना अभी मैंने रिकॉर्ड किया है उसके कंपोजर मानिक सत्याप सर हैं और बहुत ही अच्छा गाना उन्होंने बनाया, और ये एक्चुअली हमने एक साल पहले इसको हमने बनाया था, रिकॉर्ड किया था, तो उसके आज इनको वो पाइपलाइन में था वो गाना, तो आज उसको थोड़ा टचअप करने के लिए मैं फिर से यहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए आया, और बहुत ही अच्छा गाना है, फेसबुक के ऊपर है और आजकल जो भी चल रहा है सोशल मीडिया में वो है, उसके उसके अंदर जो भी चलते हैं कि लड़का लड़की आपस में कैसे फ्रेंड बनते हैं, तो उसी के ऊपर गाना है और आई होप कि सब लोगों को पसंद आएगा। आपको लगता है कि यूथ रिलेट करेगा? यस यस, मुझे यही लगता है। डिस्को विस्को भी बजने वाला है? हाँ, डिस्को भी, पूरा पब सॉन्ग है, पूरा डिस्को वाला गाना है, पूरा टीजिंग वाला गाना है, तो आई होप कि सब लोग पूरे इंडिया में बजने वाला है कि सिर्फ कोई आपका एरिया है वहाँ पे बजने? नहीं, ऐसा कोई एरिया ओरिएंटेड नहीं है, एक्चुअली पूरा इंडिया वाला ही गाना है और वर्ल्ड 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 भी बोल सकते हैं, जो अब्रॉड में जो इंडियन बाहर रहते हैं उनको। किस टाइप का टच है इस गाने का? थोड़ा सा टच इसमें थोड़ा देसी भी है, बट लैंग्वेज देसी है, बट जो टच है वो आजकल की जनरेशन का, यूथ का जो टच है, बोलने का जो तरीका है और जिस तरीके से वो बात करते हैं सोशल मीडिया में, एक दूसरे को फ्रेंड बनाते हैं, वही सब इसमें इस गाने में है सब बातें। इस गाने का फ्लेवर कैसे लगे आपको? फ्लेवर बड़े अच्छा है, पेपी नंबर है, थोड़ा पंजाबी टच है और बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है, लिखा भी बहुत अच्छा है। एक लाइन गुनगुनाते हैं? जी जी, जरूर जरूर। फेसबुक ते लगा के आ रही, फेसबुक ते लगा के आ रही, ओ मुंडा साडा बिगड़ गया, ओ मुंडा साडा बिगड़ गया, फेसबुक ते लगा के आ रही, ओ मुंडा साडा बिगड़ गया, ओ मुंडा साडा बिगड़ गया। क्या बात, लवली, थैंक यू। लिरिक्स लिखे इस गाने के तो कैसा लगता है, मतलब इस गाने के लिए आपने कितने इनपुट्स दिए होंगे, कितना टाइम गया होगा इसके पीछे, इस फ्लेवर के पीछे? एक्चुअली क्या है, ये स्पॉन्टेनियस बात होती है। अभी मेरे मानिक जी मेरे साथ मिले, हम लोग बैठे थे तो उन्होंने बोला यार एक ऐसा एक गाना चाहिए, डायरेक्टर जो हैं फिल्म के, उन्होंने वो बोला कि ऐसा गाना चाहिए जो क्लब में, जो फेसबुक जनरेशन में, तो वहाँ से टक करके मेरे दिमाग में आया कि भाई फेसबुक पे लगा के जा रही हैं, मुंडा साडा बिगड़ गया। सो आज की जो जनरेशन है वो सारी फेसबुक जनरेशन है, नेट जनरेशन है, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें, तो फिर आगे एक बार शुरुआत की बात होती है, एक लाइन मिल गई, एक मुखड़ा मिल गया, तो फिर आगे जैसे जैसे इनपुट्स मिली। साल भर पहले हमने करा था एक्चुअली इसको डिसाइड, फिर हमारे दोस्त सौरभ जी और संजीव जी ने सुना था कभी, एक हमारी ऐसी बैठक थी कैजुअल, तो उन्होंने बोला था ये गाना हम जरूर करेंगे कभी, और अभी उन्होंने जो फिल्म स्टार्ट करी उसमें सिचुएशन ही ऐसा था कि उन्होंने ये वो गाना अपना था जो बोले वो निकालो, सो दिस दैट वाज ऑलरेडी देयर, सो फाइनली दिस सॉन्ग हैज कम आउट रियली वेल। यस, कुछ और गाने के बारे में बताइए। मॉडर्न फ्लेवर सॉन्ग है, क्लब सॉन्ग है, वेरी इन जो आज का आज की जनरेशन का जैसा है माहौल उसके ऊपर गाना है। इट्स अ वेरी सैटायर आल्सो यू कैन से, बट क्लब डांसिंग मस्ती सब कुछ है इसमें। तो ये गाना चलने वाला है हर जगह? यस डेफिनेटली। फील के ऊपर गाना पूरा यूथ बेस्ड है, आज का सोशल मीडिया जैसा चल रहा है चारों तरफ उसी को बेस में रखते हुए गाना बनाया गया है कि यूथ जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो इस तरह इस गाने को जो है ज़्यादा स्प्रेड होगा गाना, क्योंकि लोग सोशल मीडिया आज ज़्यादा सर्व करते हैं। आप कुछ कहिए, क्वेश्चन आएगा तो आंसर करते सर। इसी गाने हम लोगों ने आप ही के मुंह से सुना है ये गाना। फेसबुक ते लगा के यारियां, फेसबुक ते लगा के यारियां, वे मुंडा साडा बिगड़ गया, वे मुंडा साडा बिगड़ गया, वे मुंडा साडा बिगड़ गया। सो दिस इज सुपर, गाने गाने मत बोलो आप। कंपोजिशन एंड हाउ मच टाइम इट टुक फॉर यू टू क्रैक दिस, बिकॉज़ आई इनिशियली वी वर ऑन अ वर्ज एंड वी वर ऑन अ एज, यू नो दैट वी वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वुड क्रैक। या एक्चुअली कंपोजिशन नॉर्मली डोंट टेक मच टाइम, इट जस्ट कम्स इन इंस्टेंट एक्चुअली, यू नो, सो एक्चुअली द टाइम टेकन बेसिकली हैपेंस फॉर द म्यूजिक प्रोडक्शन एक्चुअली, सो कंपोजिशन हैपेंस व्हेन द लिरिक्स इज रेडी, द कंपोजिशन हैपन इंस्टेंट एंड देन कम्स music production job. So that takes time. That takes time. Week, 10 days. Awesome. And this was done a year back, so we have to again recreate some, reproduce certain sound of today's. Yeah, so that's what we have been doing actually. And I think this song is going to be a hit song. Awesome. Definitely. Thank you very much. एक साथ आप चार इसके crescendo के भी या कुछ बीच में की, तो हम लोग एक चारों की एक साथ line ले लेंगे।
कौन सा गाने से गाना अच्छा कम सिंगिंग वाइज बोल रहे हैं आप सिंगिंग वाइज ठीक है अभी अभी तो गाया वो काफी है सर भी जैसे हुक वन टू थ्री फेसबुक ते लगा के यारियां फेसबुक ते लगा के यारियां के मुंडा साडा बिगड़ गया ओ मुंडा साडा बिगड़ गया के मुंडा साडा बिगड़ गया क्या बात है लवली लवली ऑसम थैंक यू हाँ जी जिमी भाई या जो आज ये हमारा जो सॉन्ग है फिल्म का फेसबुक पे लगा के यारियां मुंडा साडा बिगड़ गया आज इसकी फाइन ट्यूनिंग हुई है तो मैं कहूँगा कि ये मतलब आजकल की जनरेशन का सॉन्ग है क्योंकि आजकल 24 आवर्स सब लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं तो यूथ इस सॉन्ग के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा तो ये बहुत मेलेडियस सॉन्ग है बहुत अच्छा सॉन्ग है तो बहुत बजने वाला है ये डीजेस पे और ये फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में कहूँगा कि जो बेसिक है इस स्टोरी का वो ये है कि लाइक दीज डेज हाउ ईजली दैट कपल्स गिव अप मतलब एक दूसरे पे बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं और हम अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में से डिवोर्स रेशियो है जो मतलब इट्स इंक्रीजिंग बाय एवरी पासिंग डे इंडिया में ऐसे हो रहा है एक पहला टाइम होता था जब हम मतलब जो हमारे बड़े हमारे पेरेंट्स हमने कभी ऐसा सुना नहीं था कि कोई डिवोर्स हो जाता है कोई एक दूसरे पे गिव अप कर देता है लेकिन आजकल की यूथ ऐसी है कि ठहरा भी नहीं है किसी में और इतनी भगदड़ मची हुई है कि मतलब पेशेंस नहीं है तो इस फिल्म में क्या है कि हमने एक ऐसे मैसेजेस हैं कि मतलब एक दूसरे पे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए सो एक दूसरे को समझना चाहिए वैल्यू रिलेशनशिप को वैल्यू करना चाहिए तो ऐसे बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिसमें हर कोई कनेक्ट करेगा आजकल की यूथ कनेक्ट करेगी बेसिकली सर हैशटैग लव ही क्यों #loveheक्यों ये तो हमारे डायरेक्टर को ज़्यादा पता है बट इट्स अ वेरी कैची टाइटल आई मस्ट से #love ट्रेंड होने वाला है हर जगह पे एवरीवेयर या और मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में आई एम अ फन लविंग गाय यू कैन से इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट और पंजाब से है और दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है और इस फिल्म में अपनी दोस्त के लिए क्या क्या वो करने वाला है ये आप लोग देखेंगे मज़ा आने वाला है बहुत थैंक यू सो इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है व्हाट्स द फील एंड हाउ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फिल्म The name of the movie is very different. It's #love and I'm super excited about the movie. Even my character is also a little different. It's a modern character who is self-dependent and really very excited for this role. How about the song? The songs are amazing, yeah. I have listened to some of them. They're amazing. Like, it's... Do you think the songs are gonna run like in every club everywhere yes every definitely car. Definitely the youth are going to definitely relate to this it's yes. really amazing and what is your character that you think you will be playing in this movie the name of the character is Kara sorry मैडम अपने बारे में बताइए और बताइए इस फिल्म से किस तरीके से जुड़ी हैं हाय माय नेम इज प्रोमिता और इस फिल्म में मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो एक इंडिपेंडेंट लड़की है बाद में शी फॉल्स इन लव एंड समथिंग हैपेंस दैट इज लिटिल सीक्रेट एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट द मूवी और इस फिल्म के गाने मुझे बहुत अच्छे लगे जो यूथ से रिलेट करते हैं एंड Let's hope for the best. I'm really very excited. Madam, आप कहाँ से हैं? I'm from West Bengal. It's ये सफर कहाँ से शुरू हुआ था एक्टिंग का? Recently, I have done a small character role in Sacred Games. So, from there, I started my career from the last year. तो ये जो सीक्रेट गेम्स ये वेब सीरीज है इसमें तो काफी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं जैसे नवाजुद्दीन exactly, उनके साथ अदर सैफ अली खान सर हैं exactly. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इन सब के साथ काम करने का बहुत अच्छा रहा वो मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्टिंग एक्सपीरियंस है अनुराग सर ने मेरा एक्टिंग का बहुत तारीफ किया और मेरा सीन्स नवाजुद्दीन के साथ ही था तो आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट एंड इट्स गोइंग टू रिलीज ऑन July 7th एंड इट्स द फर्स्ट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज और आने वाले प्रोजेक्ट इसके अलावा कुछ ये है ना #love लव के अलावा कुछ और दूसरा राइट नाउ आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सो लाइक ओके थैंक यू सो मच थैंक यू रेडी रोल अच्छा सौरभ यू आर अ प्रोड्यूसर एंड एन एक्टर इन द फिल्म हाउ डू यू थिंक यू विल मैनेज बोथ बाय द वे आई एम सेफ आई एम नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी प्रोड्यूसर इज माय मॉम एंड दैट इज ममता रॉय
and banner is Hari Productions and I'm just an actor in this movie. Just that ki mere upar sari talwaren gir gayi hain ki aapko as a director handle karna pad raha hai. But it's a fun journey, like being an actor. Like I've been in this industry since from last 12 years aur journey itni pyari rahi hai ki Mr. India ho chahe Khatron ke Khiladi ho chahe BCL ho Jimmy bhai ke sath to maza aata raha. और आज भी बड़ा मजा आ रहा है ये जो प्रोड्यूसर वाला फील जो आ रहा है ना प्रोड्यूसर हूँ नहीं फिर भी फील आ रहा है तो उसमें भी बहुत मजा आ रहा है व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड द फिल्म एंड द सॉन्ग दैट वी आर वर्किंग ऑन एंड हाउ डू यू थिंक इट्स गोना बी वोवन अप एंड गोना बी वर्किंग टुगेदर इन एन इनिशियल स्टेज दैट यू आर लिसनिंग राइट नाउ द सॉन्ग दैट वी आर वर्किंग ऑन एक्चुअली आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट बिकॉज लाइक आई हैड डन नियर अबाउट टू मूवीज ऑलमोस्ट टू नहीं फोर two are unreleased, so four movies. But the feel of this song gives me goosebumps. Like, it's something very different. Like, aaj tak itne gaane sune hain, itne peppy numbers aate hain, itne disco wale gaane aate hain, sunke maza aata hai. Lekin is gaane ko sunke ek alag maza hai. Maybe because ye khud ki film ka gaana hai. Maybe ye jo hai youth se relate ho raha hai. Because maine reaction dekhe sabke. Being associated with the production team, जब आप अपना एक गाना prepare करते हो और आप अपनी पूरी team का reaction देखते हो तो वहाँ पर आपका pump up हो जाता है कि yes, this is something good. So the moment मैंने सबका reaction देखा, I was like, okay, आधा किला जीत लिया. How about the title of the film and how about the whole journey of the process of writing the subject? ये बड़ा complicated है. ये reporter कहाँ से पकड़ के लाया भाई? तो नहीं, जर्नी राइटिंग की, एक दिन रात को सो रहा था, एक सपना आया. राइटिंग जनरली ऐसे ही होती है, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही लिखा जाता है. तो रात को सपना आया कि ऐसा कुछ करते, और उसके बाद ये आप बीती भी थी थोड़ी बहुत, तो और फिर मेरी आप बीती मैंने बाकियों से शेयर की, तो वो कहते हमारे साथ भी सेम बीती है. तो मैंने कहा फिर ये जब सबके साथ बीती है तो इसकी पिक्चर क्यों नहीं बन रही है, पिक्चर बनाओ इसकी. सो दैट्स हाउ वी क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट. एंड Param ji is defining it very beautifully, like the kind of dialogues he's giving, the kind of screenplay he's building up, like that's awesome. And I strongly feel that youth gonna connect with this thing, with this movie. And finally, about the four lead characters that you're thinking about and you're seeing them as characters in the film. Movie mein char lead hai. Yeah, two girls and two guys. मैं producer हूँ, अकेला क्यों नहीं हूँ मैं? ये गलत है, ये industry का rule है. जो producer होता है, वो solo होता है. ये गलत है, change करो पहले. नहीं, फिर भी as a producer, how do you think you're taking four people equivalent and parallel? How do you think it's going to be there as experience and as a journey of this film? See, what I feel कि अकेले चलते हैं ना तो बहुत जल्दी डूबते हैं. चार चलेंगे तो हाथ पकड़ के पार कर लेंगे. सही है. That's a good one. I think then hashtag love has to cross miles. 100-200 करोड़ कमा लेते सर. और कुछ अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में और इस फिल्म से? सबको पता है लफंडर आदमी है मिलना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सौरभ. सर, दिस इज योर फर्स्ट मूवी एज अ डायरेक्टर? यस, इज माय फर्स्ट मूवी एंड ऑब्वियसली आफ्टर एसोसिएटिंग टू थ्री मूवीज दिस इज फर्स्ट वन. व्हाई हैशटैग लव इज योर फर्स्ट मूवी? Why? Because it connected well, of course, on same grounds on writing as well as a thought with the Saurabh, yes. And we, of course, we have different mindset but the same page, and that's how we connected. And why is the title hashtag love? I think everyone now loves to write hashtag everywhere they, you know, they find something good or fascinating. आज कुछ करना है तो फेसबुक पे हैशटैग करके लोग लिखे जा रहे हैं. पता नहीं ये क्या ट्रेंड है, बट ये ट्रेंड हमने पकड़ लिया है एंड आई थिंक दिस इज गोना वर्क. एक्चुअली हैशटैग इज लाइक समथिंग, बहुत सारी चीज हम एक ही उसमें छोटे में दिखा दे. बट आई थिंक ये छोटी चीज भी बहुत बड़ी होने वाली है, हैशटैग लव. ख्याति मैम इज योर बेटर हाफ, सो वो हैशटैग है आप लव हो या आप लव हो वो हैशटैग. यू कैन से द लव इज अ कंप्लीशन ऑफ हैशटैग. सो टेल मी what we are doing today over here. Yeah, today we are recording a song and it's a beautiful disc number. It's a DJ song, which you can say a party song, and it's sung by, of course, Dev, mind blowing singer. Dev ne bahut sare acche acche gaane gaaye hai, aap jante bhi hoge. Badri hai,
Tantanatan, I don't know how many. And today he's done justice to this song. So I think we just doing this as a fine tuner for this today's job, but it was sung like a year back. Is gaane ka treatment kya hone wala hai movie mein? Oh my god, this is something very different that you have asked me today, because generally club songs ki ek pattern aur ek feel hoti hai. Hum try karenge ki isko thoda sa alag kiya jaye, thoda sa alag, because hame is market ko wo parosna hai, little Hollywood feel. तो आप ऐसा क्या अलग करने वाले? थोड़ा सा तो कुछ आइडिया, अगर सब कुछ यहाँ बता दूंगा तो फिर फिल्म में क्या देखोगे? आ जाओ फिल्म देखने। ये मूवी के किस पार्ट में आने वाला है गाना? दिस इज अ फ्लैशबैक सॉन्ग, यहाँ पर लड़का और लड़की पहली बार मिले हैं और यहाँ पर एक शेयर होता है फेसबुक आईडी. इनफैक्ट इट इज लाइक ही आस्क्ड फॉर द नंबर एंड शी डजंट गिव एंड देन ही जस्ट आस्क्ड द नेम. तो नाम पूछते ही वो लड़की नाम बोलती भी है इतराते हुए, और उसके बाद फिर वो ढूंढ लेता है फेसबुक पे, यार ये अच्छा ये लड़की, वाओ ओ माय गॉड. उसके बाद उसको ऐड कर लेता है, उसके बाद फिर कहानी वहीं से शुरू है यार. सिंस यू वर इनटू कोरियोग्राफी, तो इसमें बहुत ज्यादा डांस वांस होने वाला है कुछ इस गाने में? सी व्हाट आई थिंक अबाउट द होल कॉन्सेप्ट अबाउट राइटिंग टू द फाइनल प्रोजेक्शन ऑफ द मूवी एंड देन फाइनली पैकेजिंग दिस मूवी इज लाइक वी सी हाउ वी कैन पेस दिस एज वेल. कहीं गाने में डांस की जरूरत है डांस करेंगे, कहीं ज़रूरत है हमें सिर्फ सिग्नेचर तो सिग्नेचर दे के ख़त्म करिए सलमान वाला, और कहीं हमें लगे कि यार ये गाने को जस्टिस देनी है तो हम लोग निकालेंगे. तो मतलब हीरो हीरोइन बहुत परेशान होने वाले? थोड़ा बहुत तो परेशान कोरियोग्राफर से हर कोई होता है. सलमान भी बोल देता है कई बार कि भाई नचवाना कम. सो व्हाट डू यू फील अबाउट द स्टोरी ऑफ द मूवी? लाइक ऑफकोर्स दिस इज अ कल्ट टूडेज जनरेशन्स मूवी एंड एवरी टॉम डिक एंड हैरी यू कैन से एक्स वाई जी इज फेसिंग दैट प्रॉब्लम. And they are facing problem of getting in a relationship, coming out of one. So coming out of one or getting का जो एक बीच में का जो एक line है, we are trying to project that line. We heard that there are two couples in the movie. Yeah. तो दोनों में क्या similarity और क्या difference है जो आपको दिख रहे हैं? I think बहुत ज़्यादा people will connect. एक married couple और एक unmarried couple, एक fresh couple. दोनों की journey कैसे होती है? बहुत ज़्यादा difference उसमें दिखेगा लोगों को. और आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे वी कैन प्रोजेक्ट दिस मूवी. एंड हाउ ख्याति मैम इज एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग योर वाइफ? शी इज ऑफ कोर्स शी इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड वाइफ एंड एज यू सी शी राइट्स विद मी, शी डज कोरियोग्राफी विद मी, शी इवन डज डायरेक्शन विद मी. बिकॉज इनकी राइटिंग बहुत खराब है तो जो भी वो बोलते हैं और वो बहुत फास्ट बोलते हैं तो यू नो मैं वो जस्टिस हैशटैग लव ये पूरा करते सो आई थिंक समहाउ वी जस्ट मैनेज आवरसेल्फ सो वेल कि मे बी आई क्रिएटिवली आई डिजाइन टू फास्ट एंड शी कीप्स ऑन एडजस्टिंग विद मी एंड दैट्स लाइफ दैट्स हैशटैग लव. एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइजेस इन लाइफ इज रियल लाइफ एंड दैट्स वेयर वी आर बॉन्डिंग वी आर टुगेदर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो आजकल एडजस्टमेंट है वो नहीं हो रही है. अगर एडजस्टमेंट ही नहीं होगी तो लाइफ चलेगी. सो आज की जनरेशन यू नो वी आर ऑल्सो फ्रॉम दिस जनरेशन ओनली, पर ये मैसेज मैं देना चाहूँगी और हम सब देना चाहेंगे इस फिल्म के थ्रू कि अगर हम किसी चीज़ में बांध छोड़ करें या एडजस्टमेंट करें तो हमारी लाइफ ब्यूटिफुली डिजाइन हो सकती है. वेरी ट्रू एंड दैट्स हाउ आई सी. एक घर में चार लोग भी साथ नहीं रह सकते, सबके व्यू पॉइंट्स अलग है. तो फिर आप नई लड़की के साथ आप जब शादी करते हो तो वो तो बहुत डिफरेंस है यार. आई मीन यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स. सो आई थिंक देयर इज वेयर द होल जर्नी विल बिगिन एंड एंड कि एक अच्छा रिलेशनशिप आप बांधना सीख जाओ. अच्छा मैंने सुना है कि आपको म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बहुत परेशान किया. देखिए मेरी तरफ से गाने दे दिया बिना बोले. मेरी तरफ से तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मानिक भाई, सत्या भाई और अफसर भाई ये तीनों ने बहुत जल्दी हमें गाने क्रैक करके दे दिए हमारी फिल्म की फील के साथ. और ऑफ कोर्स आई मीन दिस वाज लॉन्ग बैक वी डिड दिस वन सॉन्ग एंड आफ्टर दैट वी सैट ऑन कपल ऑफ सॉन्ग्स, बट आई थिंक दे आर सच टैलेंटेड पीपल दैट डिजर्व टू गिव एंड गेट All this they have done now, and it's awesome. तो movie के album को आप complete package कहते हैं? Yes. किस किस flavour के गाने हैं movie में? I mean अगर आप तड़का देखना चाहो film में और पैसे वसूल देखना चाहो तो ये तीनों गाने हमारे उस flavour के हैं कि आप एक बंदा बोलेगा मुझे party song सुनना है, एक बोलेगा यार journey song, कभी मैं गाड़ी चलाते हुए जाऊँ तो I have to listen to that, और एक बंदा सोचेगा यार अपने माहौल में अपने
उस यू नो फील में रहो और रोमांटिक सॉन्ग जो हमारा बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग होने वाला है. आपने ब्रेकअप सॉन्ग नहीं डाला? ब्रेकअप सॉन्ग भी एक पार्ट है उस रोमांटिक सॉन्ग का ही. आई थिंक इट्स ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी एंड टू साइड्स ऑफ द कॉइन. जब रोमांस होता है तो ब्रेकअप भी होना है कहीं ना कहीं, और वो ब्रेक्स में होता है. रोमांटिक सॉन्ग इतना अच्छा है कि जिसका ब्रेकअप होगा वो भी वही चाहेगा कि वो सुने वो ये गाना सुनो और वापस से यू नो ब्रेकअप सॉल्व कर दूं. यस, सो आई थिंक वी आर डन एंड थैंक यू वेरी मच एंड डू कम बैक टू वॉच आवर मूवी प्लीज गाइस. एंड दिस वाज अ अमेजिंग रिकॉर्डिंग सेशन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Rolling. Ajay sir, why hashtag love? Hashtag love, because it's in a trend now. New generation, old generation, generation like us, they all believe in Instagram, Facebook. So I guess ye us fashion us trend ko dekhe is naam ko choose kiya hai hamare jo nani ke writer hai Param Dal ka. He must be thinking something out of the box. फिल्म के जरिए हम न्यू जनरेशन को कुछ ऐसे मैसेजेस पहुँचा सकें. आई थिंक वेरी यूनिक, काफ़ी अलग माउंट एवरेस्ट के ऊपर चाहिए होगा. दिस इज हिंदी ट्रेंड. हिंदी ट्रेंड मीन्स यू आर विद द बॉय. इसलिए हैशटैग हैशटैग लव रोमांटिक या कॉमेडी है या नहीं जरूर. इसमें काफ़ी मैंस ड्रामा कॉमेडी मस्ती है. इनफैक्ट there are few locations as well जहाँ पे आपको इस फिल्म के कैरेक्टर्स जो हैं जो रूटेड हैं बहुत सारे वो भी इस किरदार को निभा पाएंगे क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सिंस कृष्णा मुझे स्टोरी के बारे में बताया गया है दिस इज़ वेरी रूटेड. मुझे जितना लगा मैंने जब इस कहानी सुनी मुझे ऐसा लगा कि यस दिस इज द स्टोरी विच वी हैव टू डू. क्योंकि आज के ज़माने में जो हो रहा है रिलेशंस आर वेरी फ्रजाइल. उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए या उसको समझाने के लिए द अवेयरनेस अबाउट द न्यू जनरेशन ऐसी कहानियाँ ऐसी फिल्म ऐसी स्टोरीज ऐसे राइटर ऐसे डायरेक्टर्स आई गेस सामने आने चाहिए और इस फिल्म के जरिए हम लोग. जैसे म्यूज़िक के बारे में आपका क्या? हाँ, म्यूज़िक हमारा काफ़ी USP है हमारा. जितने भी ट्रैक सुने हैं आज मिस्टर देव ने जो आज ये गाना गाया या ट्रैक गाया इट्स वेरी लाइवली वेरी सिंपल. जिनके पास दिमाग है वो भी समझ सकते हैं. जिनके पास दिमाग नहीं है उनके यू नो डेल्यूट होता है ये गाना. टच योर सोल. ज़्यादा ताम झाम नहीं है. काफ़ी सिंपल कानों को और मन को और आत्मा को साथ राइट. मतलब
गलत हो जाए वो नहीं देखना चाहता, और वो उसके लिए जाकर नाम जिसका लोटी है अपनी दुनिया में बाकी दुनिया में कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अजय भाई, ये आपकी फर्स्ट मूवी है? नहीं, ये पहली मूवी नहीं है, और मूवी है सलाम महाराज, शायद उसमें आ चुकी है, रिलीज होने वाली है और फेब्रवरी, इससे पहले डेज हो कर चुका हूँ कसम से, उसका मेरा ट्रैक भी क्यों है, बट हाँ मुझे वक्त मिला है सीरियल से मूवी में आने का, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग विच आई वांट, मुझे मिला एंड आई एम वेरी वेरी ओके, वेरी वेरी हैप्पी। यस, डायरेक्टर हमारे संजीव मेहता जी, मैं उनसे एक दो साल पहले मिला था, इज अ वेरी फर्स्ट टाइम, ही कनेक्ट्स विद यूनिवर्स, ही कनेक्ट्स विद आर्ट, ही कनेक्ट्स विद एक्टर्स, ही कनेक्ट्स विद स्टोरी, ही इज अ कोरियोग्राफर एज वेल, यूज्ड टू कोरियोग्राफ बिग नेम्स विच आई डोंट वांट नेमिंग दैट नेम्स, बट यस he has the vision, he has the vision of kahani ko parde pe kaise uta wo insaan acche se bhali baat usko jaan raha, he's very simple, very focused and very responsible director which I have come across. Acha, serious baat bato, ke producer ke bare mein batao kuch. Ha, ye hamare producer hai, I know him since like 8 years, I met him like my modeling days, my career like which I started in Delhi. He's a very funny guy, he's very romantic insaan hai, apne character ko jeeta hai, cricket ke through main jana, sports ke through jana, and he's very creative, he belongs to art, he's a painter as well, he's a director, matlab mere paas uski achievement ke liye itna waqt nahi hai ki main मुझे अपने वादे पूरे नहीं करता डाउट किया and we are fun together, we are the best. So I just want to say ki this is a fun film movie, jo bhi dekhega haste hue bahar jayega aur ek lesson seekh ke jayega, definitely ek lesson seekh ke, matlab basically education wali, bilkul education hai sir, hum sabhi seekhte hain, like we all are on the learning curves, we evolve every day, we grow every day, this is what this movie is, not just a movie, not just belongs to entertainment, this movie belongs to the lesson, the message for the generation, for the new generation and young generation, for generation aage cheeze nahi hogi, we are humans, it belongs to the responsibility, ye film ek responsibility batayegi towards the new generation with the relationship. Thank you very much. My first senior citizen me wo bhi relate karte is movie se. I don't believe in senior or senior citizen. Ye Manik ji hai, inhone music diya hai bhai ji, ये सीनियर सिटीजन है और इन्होंने जब स्टोरी सुनी तो कहा मैं बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ, ये आप ही थी। मानिक जी जितने खूबसूरत दिख रहे हैं, खूबसूरत इंसान उन्होंने गाना गीत के बाद पैदा हुई थी, वाह वाह, और जितना मैं इनको यहाँ तक बैठे बैठे पहचान, जो 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 इंसान एक सिर्फ कहानी के अंदर म्यूजिकली एक जिंदगी पैदा कर सकता है, वो आई गेस एक मूवी नहीं हमारे साथ 10 मूवी, और हम उनके साथ करना चाहेंगे, एंड इट इज सेम इनकी मजबूरी क्वांटिटी थी